सबसे पहले बात चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा मुद्दत में तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वाजे कर दिया, कहा चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन मीटिंग के बाद मुझसे बात की। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने खुद कहा था कि वो तोसी नहीं लेंगे। इस मौजू पर अब बार बार गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे ख्याल में वो एक बाइज़त शख्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। मैं बड़ी क्लैरिटी से ये बात कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं है। मेरे ख्याल में अब इस पर बार बार बात करना गैर मुनासिब है। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए, किसी और टॉपिक पर अब बात किया करें। इस पे बहुत बात हो चुकी है, ये बिल्कुल वाज़े बात है। दूसरी बात राणा साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी की बातें तब होंगी जब नंबर्स हों, तो ये सारी बातों को इकट्ठे सोचना चाहिए।